लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बात की थी बार बाइंडिंग शेड्यूल अपन ने कैलकुलेट किया था रेक्टेंगल स्टिरअप्स के लिए, ठीक है। आज वाली क्लास के अंदर अपन बात करेंगे बार बाइंडिंग शेड्यूल ऑफ सर्कुलर स्टिरअप्स, सर्कुलर स्टिरअप्स के लिए बार बाइंडिंग शेड्यूल को कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अपने बात करते हैं सर्कुलर स्टिरअप्स। सर्कुलर स्टिरअप्स किस तरह के दिखाई देते हैं, जैसे मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे मेरा क्या है सर्कुलर कॉलम है, इसके अंदर मेरे यहाँ पे सर्कुलर स्टिरअप्स प्रोवाइड किए गए, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखो इसके अंदर ये इस तरह से आपको दिखाई देगा सर्कुलर स्टिरअप। इसके अंदर जो यहाँ पे बैंड होगा 90 डिग्री के बैंड यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं सर्कुलर स्टिरअप के अंदर। तो हुक लेंथ जो आपकी निकलेगी वो 90 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस तरह का आपको कुछ दिखाई देगा और इस तरह का जो आपका सर्कुलर कॉलम होगा उसमें ये स्टिरअप इस तरह से प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो बार बाइंडिंग शेड्यूल सर्कुलर स्टिरअप का कैसे बनाएंगे, कैसे उसकी कटिंग लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, अब इसके बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ देखो साइट से रिलेटेड अपन इस तरह से एक डायग्राम बना रखा है मैंने। ये मेरे पास जो है एक कॉलम है जिसका डाया है 400 mm। कॉलम का जो है मेरे को ओनली डाया गिवन होगा कि इसका जो डाया है वो मेरे पास 400 mm है और इसके अंदर आपको स्टिरअप जो है वो कितने साइज का प्रोवाइड करना है, कैसे प्रोवाइड करना है, ओके। इसके बारे में मेरे को और डिटेल ये दे रखी है कि आपका यहाँ से आउटर टू आउटर डिस्टेंस है आपका, यहाँ पे जो स्टील का जो बार है बार के आउटर से और कॉलम के आउटर का जो कवर है वो है 40 mm का, और यहाँ पे मेरा क्या दे रखा है 8 hash, यानी कि 8 mm का आपका डिफॉर्म्ड बार है। 2 leg stirrup, 2 leg, यहाँ पे 2 hook आ रहे हैं अपना, तो 2 leg stirrup हो गया। एट द रेट का मतलब सेंटर टू सेंटर आपकी जो स्पेसिंग है वो 130 mm है, ठीक है। तो ये अपने को डिटेलिंग आपको जो है ये गिवन है। अब आप कटिंग लेंथ को कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले बात करते हैं ये रेडियस को कैलकुलेट करने की। ये रेडियस मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये जो रेडियस है ये रेडियस है इसकी, यहां से देखो मैं डायग्राम को थोड़ा सा जूम करता हूं, ये रेडियस है इसके सेंटर पॉइंट से लेके आपका बार का जो है डाया है यहाँ इसके मिड पॉइंट से, ठीक है। स्टील बार आपका जो है सरिया है इसके यहां से मिड पॉइंट से आपको ये वाला लेना है रेडियस इसका। तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे R=D/2, यानी कि ये आपका जो कंप्लीट डाया है डिवाइड बाय 2 माइनस आपका जो कवर है, कवर सार आपका जो है ओवरऑल जो है 40 mm का हो जाएगा माइनस हाफ डाई ऑफ स्टिरअप। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया R=D जो है वो मेरे को 400 mm गिवन है, कॉलम का साइज जो है कॉलम मेरा 400 mm का है और यहाँ पे कवर जो है वो मेरा हो जाएगा 40 mm। देन 4 मैंने क्यों किया, आपका यहाँ पे दे रखा है क्या है 8 mm की डिफॉर्म बार है, 8 mm अगर टोटल साइज है मेरे को सेंटर से डिस्टेंस लेना है तो यहाँ से 4 mm में क्या वो क्या कर दूंगा और माइनस कर दूंगा, यहाँ पे मैंने 4 और माइनस कर दिया, ठीक है। तो आर आपका जो है वो कैलकुलेट हो गया 156 mm। अब आपको कैलकुलेट करनी है सर्कुलर स्टिरअप के लिए कटिंग लेंथ, देन उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, कटिंग लेंथ इक्वल्स टू 2πr। 2πr क्या, इसके सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, इसकी परिधि का जो फॉर्मूला हो जाएगा 2πr। 2πr इसकी कंप्लीट लेंथ को मैं कैलकुलेट कर लूंगा प्लस आपकी जो हुक लेंथ है, ये जो हुक लेंथ जो है 2 hook आपके प्रोवाइड किए गए 90 डिग्री पे, 90 डिग्री का है तो कल मैंने बताया था मैं 90 डिग्री के ले लूंगा 10D, और अगर आपका 135 डिग्री होता तो मैं लेता यहाँ पे 12D। फिलहाल मेरा 90 डिग्री है तो मैंने लिया 10D और 2 hook है तो यहाँ पे नंबर जो है वो 2 लगा दिया। उसके बाद मैं अपना फॉर्मूला प्रोवाइड करता हूँ, देन कटिंग लेंथ मेरी आ जाती है 2π, आर की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट अप कर दी 156, देन 2 × 8 मेरा डाया गिवन है, ये यहाँ पे आपका गिवन है 8 hash, यानी कि आपका 8 mm का डिफॉर्म्ड बार है और नंबर जो है मेरे हुक के वो हो गए 2, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने प्रोवाइड किया, देन आपकी कटिंग लाइन जो है वो आ गई 1140 mm, ठीक है। तो ये अपन ने कैलकुलेट किया कटिंग लेंथ को सर्कुलर वाले स्टिरअप्स के लिए। इसके अंदर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना नेक्स्ट अपने चलते हैं ट्रायंगुलर स्टिरअप के अंदर कि ट्रायंगुलर स्टिरअप को अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको सिंपल सा फॉर्मूला, ओके ओके सर। चलिए नेक्स्ट अपने अब लेते हैं ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल स्टिरअप्स। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रायंगल स्टिरअप्स जो है वो प्रोवाइड कहाँ की जाती है, जहां पे आपको लग रहा है कि आपके कॉलम का साइज जो है बहुत ज्यादा है। अब देखो 400 × 350, ठीक है, बड़ा साइज है। नॉर्मली आप स्टैंडर्ड कौन कौन से साइजेस यूज करते हो, 200 × 300, 200 × 350, ठीक है। अभी 350 × 400 का है तो कॉलम का साइज जो है वो काफी बड़ा है आपको लग रहा है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे लेकर भी रखा है ट्रायंगल के पास में टू रेजिस्ट मोर शियर, आपको लग रहा है कि आपका और अच्छे से बार्स को प्रॉपरली आपको बैंड
बांधना है, ठीक है, आपका शियर जो है वो ज्यादा बियर कर सके, तो आपको क्या करना है यहाँ पे रेक्टेंगल स्टिरअप तो प्रोवाइड करना ही करना है। और इसी के साथ में इसका ऐसा नहीं है कि पहले आपने क्या किया रेक्टेंगल वाले स्टिरअप प्रोवाइड किया फिर ट्रायंगल वाले की, ऐसा नहीं करना है। जिस पोजीशन में आपने रेक्टेंगल को बांधा है उसी पोजीशन पे आपको ट्रायंगल स्टिरअप को भी बांधना है, ठीक है। फिर आपका जैसे यहाँ पे कितना गिवन है 130 mm सेंटर टू सेंटर, तो फिर 130 mm छोड़ के फिर वापस एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल, इस तरह से डबल डबल अपन एक साथ के अंदर ही बांधेंगे, ठीक है। तो एक ये दोनों है एक ही पोजीशन पे बंधे हुए हैं, देखो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल भी दिखाई दे रहा है और एक ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बार्स आपकी कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 बार है ये आपने बांध रखी है यहाँ से रेक्टेंगल से। उसके बाद आपको लग रहा है अंदर की जो 4 बार है, ठीक है, थोड़ा और शियर रेजिस्ट कर सके इसलिए आपने उसको ट्रायंगल से भी यहाँ से इस तरह से बेंड करके और इस तरह से यहाँ पे टाई किया है, ठीक है। देन इसके अंदर देखो डिटेलिंग क्या दे रखी है, 8 हैश यानी कि 8 mm डाया है डिफॉर्म बार, हैश का मतलब हैश जो साइन होता है वो किसका होता है डिफॉर्म बार का। अब यहाँ पे क्या चेंज होता है, पिछले अपने रेक्टेंगल पड़ा, पीछे अपने सर्कुलर पड़ा, उसके अंदर था 2 लेग स्टिरअप, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है 4 लेग स्टिरअप। 4 लेग कैसे हो गई, ठीक है, टेक्निकली 4 लेग स्टिरअप का मतलब जब अपन ने एक रेक्टेंगल की बात की थी तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो जैसे इसमें दो हुक आ रहे थे तो 2 लेग स्टिरअप हो गया। अब इसके अंदर 2 हुक तो यहाँ पे आ गए रेक्टेंगल के लिए और 2 हुक जो है वो मेरे आ जाएंगे यहाँ ट्राइंगल वाले के अंदर, तो 2 हुक यहाँ पे भी आ गए, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास 4 हुक हो गए, तो ये 4 लेग स्टिरअप बन जाती है। तो टेक्निकली इसको क्या बोलेंगे 4 लेग स्टिरअप एट द रेट मतलब सेंटर टू सेंटर आपका 130 mm का डिस्टेंस है, ठीक है। डायग्राम आपको पूरा आ गया समझ में, अब बात करते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्रायंगल का जो स्टिरअप है इसका जो है कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेन आपको कैलकुलेशन करनी है वो। सबसे पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे देखो आपका जो कॉलम है 350x400 का कॉलम है और यहाँ पे आपका जो है ये इस तरह से स्टील बार, ये आपका स्टील बार है, यहाँ पे एक वर्टिकल डिस्टेंस है एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसकी, ठीक है। तो पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की जो बात करूं, ये जो ए लिखा हुआ है ये यहाँ पे इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक आपकी डिस्टेंस है वो है ए, ठीक है। और यहाँ पे इसके वर्टिकल बात करूं तो इसके सेंटर से और इस सेंटर की डिस्टेंस है ये है बी, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है, ये तो आपके पास है, आपको ये वाला एच कैलकुलेट करना है और ये वाला एच कैलकुलेट करना है। एच कौन सी डिस्टेंस है, ये देखो यहाँ पे अलग से जो मार्क कर रखी है रेड कलर से, ये यहां से लेके और यहां तक वाली, ठीक है। तो आपको ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, हाइपोटेनस जो है ये आप कैसे निकालोगे, आपके पास ये क्या है परपेंडिकुलर है बेस है, तो यहां से मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ अपना सिंपल पाइथागोरस आपका जो थ्योरम होता है उससे मैं फॉर्मूला बना लूंगा। तो यहां से फॉर्मूला मैं क्या बनाऊंगा इसका, एच इक्वल्स टू एच मेरी कौन सी है ये वाली और ये वाली, ये एच मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए बाय टू का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए जो है वो मेरे को कंप्लीट नहीं चाहिए, ए मेरे को यहाँ पे हाफ ही चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे बी मेरे को हाफ चाहिए इसको कैलकुलेट करने के लिए। ये फॉर्मूला आपने बहुत ज्यादा बार यूज किया होगा, पाइथागोरस वाला जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस में कैसे निकालूंगा, एच इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यहाँ पे बेस का और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए बाय टू का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देन अब ए और बी की मेरे को वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए की वैल्यू देखो यहाँ से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गई ये कंप्लीट आपका कितना है 400, दोनों तरफ से कवर को माइनस करूंगा और दोनों तरफ से बार के डाया को माइनस करूंगा, बार का डाया आपका दे रखा है 8 mm, तो इधर से 4 mm और इधर से 4 mm माइनस कर दूंगा। देन ए इक्वल्स टू यहाँ से टोटल आपका कॉलम का साइज आ गया 400 mm माइनस दोनों तरफ से कवर को आपके माइनस किया 40 और 40 और दोनों तरफ से डाया को सेंटर टू सेंटर लिया तो यहाँ से 4 और 4 यहाँ से माइनस किया आपने यहाँ से और यहाँ से, तो ये मेरा ए कैलकुलेट हो गया 312 mm। देन बी को कैसे कैलकुलेट करूंगा वही तरीका है सेम, टोटल आपका कितना है 350 mm, दोनों तरफ से पहले कवर को माइनस करेंगे देन दोनों तरफ से बार के डाया को यहाँ से माइनस करेंगे। देन मैंने यहाँ से 350 माइनस 40 माइनस 40 कवर को माइनस किया देन डाया को माइनस किया माइनस 4 माइनस 4, ठीक है। तो ये अपना टोटल निकल गया 262 mm। उसके बाद आपको एच कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज जब आप यहाँ पे पुट अप करोगे देन एच आपका आ जाएगा 305 mm, 305 mm आपका जो है ये वाला एच कैलकुलेट हो गया है। अब अपने पास एच की वैल्यू है इस यहाँ पे भी आपको एच चाहिए, तो यहाँ पे क्या चल रहा है एच कितना हो गया 2h और यहाँ पे a 2h प्लस a, तो आपकी क्या होगा टोटल इसकी लेंथ आ गई जो आपके ट्रायंगुलर स्टिरअप इसकी लेंथ आ गई, तो कटिंग लेंथ का कंप्लीट फॉर्मूला क्या बनेगा, कटिंग लेंथ इक्वल्स टू 2h प्लस a प्लस हुक लेंथ, आपकी हुक लेंथ भी आपको ऐड करनी होगी, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई एच आपका हो जाएगा 305 प्लस a, a अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 312 mm प्लस
यहाँ पे क्या है आ जाएगा 12D। 12D क्यों आएगा, ट्रायंगुलर में हमेशा क्या चलता है 135। 135 का यहाँ पे आपको हुक प्रोवाइड करना होता है। यहाँ से आपका जो है ये देखो बार, यहाँ से स्टील बार जा रहा है, यहाँ से जाके आपको यहाँ पे रोटेट हो रहा है, तो आपको कितने एंगल पे रोटेट करना पड़ेगा, 90 से भी ज्यादा, 135 के इसको रोटेट करना पड़ेगा। ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे इस तरह से रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो 135 डिग्री का आपका एंगल है, 135 डिग्री होगा तो हुक डिस्टेंस अपने हुक लेंथ जो है वो कितने लेंगे 12D। 135 वाले एंगल के लिए अपने लेंगे 12D, और अगर जैसे लास्ट वाले केस में 90 था तो उसमें अपने लिया था 10D। तो यहाँ आपने 12D लिया। डी वेयर क्या है, डाई ऑफ बार अपने को यहाँ पे गिवन है 8mm, यानी यहाँ पे आपने 8mm प्रोवाइड किया, और मेरे पास दो हुक हैं तो दो से मल्टीप्लाई कर दिया। तब आप कटिंग लेंथ यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू को जब सॉल्व करोगे पूरा तो आपकी आ जाएगी 1114mm, ठीक है। तो आज वाली क्लास जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर स्टीरअप का आपको कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है, ट्रायंगुलर का कटिंग लेंथ आपको कैसे कैलकुलेट करना है, उसके बारे में पूरा जो है कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। तो अगर डाउट है तो वो पूछ लो, बाकी नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर अपने डायगोनल स्टीरअप के बारे में पढ़ेंगे कि डायगोनल स्टीरअप का है कटिंग लेंथ किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओके सर, करें क्लास को ओवर। यस सर, चलिए, ओके, थैंक यू।